समुद्र जितना गहरा है उससे कहीं गहरे इसमें छिपे हुए रहस्य हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक वर्षों से समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों को समझने में लगे हुए हैं। मगर कई सौ सालों की खोज के बाद भी वैज्ञानिक अब तक समुद्र की भीतरी दुनिया को सिर्फ 5% तक ही समझ पाए हैं। अब तक वैज्ञानिकों ने जहां तक समुद्री दुनिया को समझा है उसी में उनके हाथ कई हैरान करने वाली जानकारी और जीव हाथ लगे हैं, और समय समय पर रोचक जानकारियां और जीव हाथ लगते ही रहते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों के हाथ एक ऐसी मछली लगी है जो अपने पंखों की बजाय हाथ से चलती है। जी हाँ, आपने सही सुना, एक ऐसी मछली मिली है जिसके न सिर्फ हाथ हैं, बल्कि वो पानी में तैरने के लिए भी इसी का इस्तेमाल करती है। खास बात तो ये है कि इस मछली को पिछले 100 सालों में सिर्फ 5वीं बार देखा गया है। आखिर ये मछली कौन सी है और कहाँ मिली है, जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लिया है तो अब बस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस अमेजिंग वीडियो का मजा लीजिए। दोस्तों, इस दुर्लभ मछली की खोज ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी CSIRO के वैज्ञानिकों ने मिलकर की है। इस मछली की सबसे खास बात ये है कि ये मछली बाकी मछलियों से काफी अलग है तथा इसके शरीर पर छोटे छोटे हाथ की संरचना बनी हुई है जिसका इस्तेमाल ये पानी में तैरने के लिए करती है। कमाल की बात तो ये है कि ये मछली पानी में तैरने के साथ साथ समुद्र के तल पर भी बड़े आराम से अपने इन हाथों का इस्तेमाल करते हुए चलती भी है। वैज्ञानिकों ने इस मछली को पिंक हैंड फिश नाम दिया है। इस पिंक हैंड फिश मछली का संबंध मछलियों की एक विशेष प्रजाति एंग्लर फिश से है। वैज्ञानिकों की माने तो इस मछली की खोज आज से लगभग 100 साल पहले हुई थी, यानी इस मछली को पहली बार आज से लगभग 100 साल पहले देखा गया था। मगर ये मछली इतनी दुर्लभ है कि आज तक के इतिहास में बस इसे 5 बार ही देखा गया है। कमाल की बात तो ये है कि 2021 से पहले इस मछली को आखिरी बार सन 1999 में देखा गया था। 1999 के बाद से वैज्ञानिक लगातार इस मछली की खोज में लगे हुए थे मगर उनके हाथ सफलता नहीं लग रही थी। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने इस मछली को विलुप्त भी घोषित कर दिया था, मगर सरप्राइजिंगली ये मछली फिर से नजर आ गई। जहाँ ये मछली सिर्फ 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, वहीं वैज्ञानिकों के अनुसार अमूमन पिंक हैंड फिश प्रजाति की मछली 14 से 15 मीटर की गहराई में ही मिलती है। मगर इस बार जो मछली मिली है वो 120 मीटर नीचे मिली है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया के नजदीक समुद्र में लगभग 14 तरह के अलग अलग हैंडफिश पाए जाते हैं। ये पिंक हैंडफिश भी तस्मानिया में ही मिली है। चूंकि ये मछली 22 साल में पहली बार और 100 साल में महज 5वीं बार देखी गई है, इस कारण वैज्ञानिकों का मानना है कि ये दुर्लभ मछली आने वाले समय में निश्चित ही विलुप्त हो जाएगी। दोस्तों, इस दुर्लभ मछली के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को तुरंत लाइक करते हुए शेयर भी करें। इसी तरह के रोचक वीडियोस लगातार पाते रहने के लिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाते हुए नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हम जैसे ही कोई भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको तुरंत मिल जाए और आपसे हमारी एक भी वीडियो मिस ना हो। तो देखते रहिए अमेजिंग जानकारियों से भरा चैनल यू थिंक हिंदी।